मेरे प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे धार्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो लगभग सभी धर्मों का बुनियाद है। सवाल है कि ईश्वर से डरने का क्या मतलब है। यह एक कॉन्सेप्ट है जिस पर अनेकों तरीके से चर्चा और व्याख्या की गई है, तो आइए इसे एक साथ समझने की कोशिश करें। दोस्तों, जब हम डर शब्द सुनते हैं तो यह अक्सर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है। हालांकि ईश्वर से डरने के संदर्भ में इसका अर्थ भयभीत या चिंतित होना नहीं है। इसके बजाय इसका तात्पर्य किसी उच्च शक्ति के प्रति गहरी श्रद्धा, सम्मान और विस्मय से है। ईश्वर से डरने में उस ईश्वर की शक्ति, अधिकार और पवित्रता को स्वीकार करना शामिल है जिस पर हम विश्वास करते हैं। यह पहचानना है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और हमारी पसंद के लिए जवाबदेह होना है। ईश्वर से डरने का कॉन्सेप्ट कई धार्मिक परंपराओं में पाई जा सकती है। यह इंसानों को नैतिक व्यवहार के प्रति मार्गदर्शन करने के साधन के रूप में कार्य करता है। ईश्वर का भय मानकर विश्वासी ऐसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं जो उनके विश्वास के अनुरूप हो, यह पहचानते हुए कि उनके कार्य ईश्वर की नज़र में मायने रखते हैं। दोस्तों, कुछ अहम धार्मिक किताबों के संदर्भ दे रहा हूँ जिसमें ईश्वर से डरने का मतलब स्पष्ट रूप से समझ आता है। ईसाई धर्म में बाइबिल ईश्वर से डरने की अवधारणा को समझने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। नीति वचन चैप्टर 1 आयत नंबर 7 में यह कहा गया है कि प्रभु का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर का भय मानना सच्ची बुद्धि और समझ की नींव है। इसका तात्पर्य यह भी है कि जब हम ईश्वर से डरते हैं तो हम उसकी संप्रभुता को स्वीकार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का सम्मान करते हैं। इस्लाम की ओर मुड़ते हुए कुरान विश्वासियों को अल्लाह से डरने के बारे में सिखाता है। सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 197 में यह कहा गया है कि और प्रावधान ले लो, लेकिन वास्तव में सबसे अच्छा प्रावधान तकवा अल्लाह का डर है। इसलिए हे समझ वालों, मुझसे डरो। यहाँ तकवा का तात्पर्य आंतरिक चेतना और अल्लाह की उपस्थिति के प्रति जागरूकता से है जो धार्मिक कार्यों की ओर ले जाता है। हिंदू धर्म की ओर बढ़ते हुए भगवद गीता भगवान से डरने का विचार प्रदान करती है। अध्याय 11 श्लोक 54 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, केवल अविभाजित भक्ति सेवा से ही मुझे वैसा समझा जा सकता है जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूँ। केवल तभी आप मेरी समझ के रहस्यों में प्रवेश कर सकते हैं, इस तरह आप मुझे जान पाएंगे। सिख धर्म, जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है, ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण भय और भय रखने पर जोर देता है। अंग 243 में यह कहा गया है कि ईश्वर के प्रति यह घृणा और भय एक उपचारकारी औषधि है। ईश्वर का यह भय अहंकार और स्वामित्व को मिटा देता है। यहाँ यह दर्शाता है कि ईश्वर का भय मानने से नकारात्मक गुणों पर काबू पाने में मदद मिलती है और विनम्रता और निस्वार्थता पैदा होती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ईश्वर से डरने की अवधारणा केवल एक धर्म तक ही सीमित नहीं है। यह एक सामान्य सूत्र है जो विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में चलता है। जो उच्च शक्तियों को पहचानने और धार्मिक जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। ईश्वर का भय मानना एक नैतिक दिशा सूचक के रूप में कार्य करता है, हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है और हमें धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन करता है। यह हमें ऐसा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है
जो ईश्वर को खुश करता हो, अच्छा करने की कोशिश करता हो और हानिकारक और या अनैतिक कार्यों से बचता हो। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि ईश्वर का भय मानने से मुझे अपने चरित्र को आकार देने में मदद मिली है और मैं अपने कार्यों के प्रति अधिक सचेत हो गया हूँ। यह मुझे दूसरों के प्रति विनम्र, आभारी और दयालु होने की याद दिलाता है। हमें नैतिक रूप से मार्गदर्शन करने के अलावा ईश्वर का भय चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आराम और सांत्वना भी प्रदान करता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि एक दिव्य प्राणी है जो हम पर नजर रख रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है और कठिनाइयों का सामना करने पर शक्ति प्रदान कर रहा है। ईश्वर का भय ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास की भावना के साथ संतुलित होना चाहिए। यह एक उच्च शक्ति के साथ स्वस्थ और सम्मानजनक संबंध विकसित करने के बारे में है। याद रखें, ईश्वर से डरने का मतलब पंगु बना देने वाला भय या अपराध बोध पैदा करना नहीं है। इसके बजाय यह एक कॉन्सेप्ट है जो हमें उद्देश्य, अखंडता और करुणा का जीवन जीने के लिए प्रेरित करता ही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर से डरने का अर्थ है ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा, आदर और विस्मय रखना। यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो हमारे चरित्र को आकार देता है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सांत्वना प्रदान करता है। आज हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और हम भविष्य में और अधिक ज्ञानवर्धक विषयों की खोज के लिए तत्पर रहेंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी ऐसा करने को कहें ताकि मुझे काम करने में मज़ा आए। आज सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों।